बुआ तुमको चोटी बना दी क्या बोले मुझे कई बार बोली कर एक लहंगा मेरे लिए मंगवाई हो कि नहीं बता लेकिन पापा आ रहे तब मंगवाना पापा आ ही नहीं रहे लहंगा भांग के हम क्या करेंगे आ रहे ब्यूटी जी आ गई हैं और अच्छा नमस्ते भैया और इधर शांति जी मेरी सारी बहू बहन उनकी सारी सहेलियाँ सब ब्यूटी पार्लर जा रही है सुंदर बने मैं सबसे सुंदर इसलिए मैं जाती हूँ पीछे देखिए जीजू बहन ने पीछे देखिए तो बताइए मैडम क्या क्या करवाना है आपको मुझे तो बस थ्रेडिंग बनवाना है आपको मैडम मुझे कुछ नहीं मैं नेचुरली ब्यूटीफुल हूँ मैं लोग मुझे आईब्रो बनाना है फेशियल कराना है बॉडी स्पा कराना है मतलब जो भी होता है सब कुछ अभी इधर वेटिंग लिस्ट में है लोग हॉट सीट पे जिया दीदी बैठ चुकी हैं क्या कहते हैं जी क्या जी वाह रे वाह 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 जिया दीदी के ब्लॉग में बहुत बड़ा खुलासा हो गया इंस्टाग्राम स्टार कोमल पांडे की लव मैरिज हुई थी मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा है मतलब एक पहने बेटू देखो हम लोग सेम सेम पहन लिए थे यांस पलटा के लिए कर रहा है उसी को ले लो तो फिर कैसे लेगा भाई कौन है भैया है देखो भैया सो गया तुम्हारा बेड पे कुछ दे दो एक दे दो ना एक दे दो ना भैया को भी देख रहा है जो सो गया मेरे बेड में उसी को देख रहा है घर घर की वो कहां से आ गया छोड़ दीजिए ना खेलेगा उसे जा जा लो गनु ये ले लो प्रियांश का ये वाला ले लो प्रियांश देखो इधर कौन प्यार कर लो भाई को प्यार कर लो बेटू कौन आ गया है मेरा फोटो दिखाया ना वो जिनके पास गया तो रोने लगा फिर आ गया ऐसे खेल रहा था प्रियांश के बेड पे कौन आ गया है क्यों सोना है लेजी हो गया वो प्यार करता है ऐसे ना प्यार करता है मेरा बड़ा वाला बेटा क्यों नहीं आया बोला कि नहीं जाएंगे तुम वो वीडियो बनाएगी वहाँ वो भी फेस प्ले छुपा बुआ तुमको चोटी बना दी तो मम्मी आ गई पहले की पूजा करके कैसा लगा मम्मी गाँव जाके बहुत दिनों बाद बहुत ही अच्छा लगा गाँव में बहुत आम भी था लेकिन हम ले नहीं पाए फल इतना गिरा था आम के बाल्टी रखा हुआ था घर में अच्छा अच्छा इतना तुम्हारे बारे पापा सोचा तुर के रखे थे ले जाओगे हम नहीं ले जाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारी सब्जी सूख जाएगा कि टाइम नहीं है लेकिन वो बहुत परेशान थी कि हम धूप में तोड़ के लाए ले आती है हम नहीं लिए कोई बात नहीं और इधर साक्षी दीदी आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत लोगों से मासी तो बिल्कुल इतना मजा आ रहा है कि पूछो मत तो मैं बोलने वाली थी कि आप लेके आने तो हम लोग भी खाए होते हैं इतना मजा आता है पार्टी पैसे भी बहुत देते हैं खाते खाते हैं वो बहुत अच्छी बहुत बढ़िया वो शहर वाला चिल्ली जो होता है काट के क्या कर रहा है वो नहीं वो पार्टी में से निकाल के ऐसे चूस के खाओ फिर हम लोग बगीचा में इतना आम उठा के आते थे इस बार लिफ्ट चलेंगे हम अपने गांव आपको आम के बगीचे में अपने को ले जाओगे वहाँ तो आपको और मजा आएगा लीची की बगान अमरुद बगान सब घुमाएंगे तो चाहते हैं कि हम ऐसे घूमते भी गलती हमारी हम नहीं घूमेंगे ना हमें टाइम नहीं हो कि साथ कैसे छोड़ देंगे मैं चिंता हम उधर घूमने के लिए हमें कोमल जी हैं कैसा लग रहा है आपको यहाँ के बहुत 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 अच्छा मैं तो बहुत एक्साइटेड थी मिलने के लिए हम भी बहुत एक्साइटेड थे कि सब आएंगे बहुत मजा आएगा और ये छोटू सा बेबी बैठा हुआ है अपने फोन में लगा हुआ है क्या बोले अगर एक लहंगा मेरे लिए मंगवाई हो कि नहीं बता लेकिन पापा आ रहे तब मंगवाना पापा आ ही नहीं रहे लहंगा भांग के हम क्या करेंगे तब एक लहंगा का व्यवस्था कर देना अभी लेके आते हैं मम्मी के लिए लाने यहाँ पे टोटल 30 गद्दा रहना है तो 10 गद्दा कम है तो जाके लाते हैं ठीक है सुनिए ना छोटा कुछ बोल रही थी छोटा क्या बोल रही क्योंकि लटक रहा है तब से ये तो हम लोग सत्संग में बैठ चुके हैं छोटा हाँ बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाले हम लोग हाँ मेरा प्रवचन सुनने वाले हैं जो हम हमेशा सुनते रहते हैं 20 minutes late आइए आइए आप लोग मैं
ब्यूटी जी आ गई है और अच्छा है, नमस्ते भैया। और इधर है शांति जी। आदत है ना गरीबी का। आइए आइए सब लोग, अभी एक दो घंटा लगेगा इसको दोस्ती करने में। अभी हाँ बस बस सब थोड़ क्या जाते हैं रूम पे। चलो चलो क्रिया, चलो चलो, ये पापा के पास आना चाह रहा है। आइए आइए भैया। मेरी सारी बहू बा, उनकी सारी सहेलियाँ सब ब्यूटी पार्लर जा रही है, सुंदर बने। मैं सबसे सुंदर इसलिए जाती हूँ। आप भी सुंदर है दीदी, इसीलिए नहीं जा रही है। नहीं ऐसा बात नहीं है, ये लोग सुंदर बनने जा रही है। पीछे देखिए जीजू, पीछे देखिए छोटा है, इधर भी छोटा है, उधर दीदी। दो स्पेशल सीट है, जो एक मुझे मिली और एक दीदी को मिली है। अभी दो लोग और बैठ सकते हैं, हम दोनों सही बोल। इधर हमारी साक्षी दीदी है, तो मैं तो बस छुप गई हूँ इधर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, सारी लेडीज, कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ, लड़कियां भी हैं, सब चले। हाँ कोमल दीदी दिला रही है तुमको छोटी, है ना, चलो टूट पड़ते हैं। फॉलो मी गर्ल्स, फॉलो मी कैटरीना बनने के लिए। क्या कह रही है साक्षी दीदी, क्या कह रही है आप? मैं बोलूं गर्ल्स फॉलो मी, हम कैटरीना बन के अपनी बन में, अपनी बहन जो है बेइज्जती कर रही है। चलो आपका आप वैसे ही दुल्हन हो, चलो आओ। तो बताइए मैडम क्या क्या करवाना है आपको? मुझे तो बस थ्रेडिंग बनवाना है। आपको मैडम? मुझे कुछ नहीं, मैं नेचुरली ब्यूटीफुल हूँ, मैं लोगों मुझे आईब्रो बनाना है, फेशियल कराना है, बॉडी स्पा कराना है, मतलब जो भी होता है सब कुछ। अब कमेंट में मेरे बारे में कोई बुरा नहीं बोलेगा, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, इसलिए मैंने खुद नहीं बोली। क्या बोलते हैं, वैक्स करवाना है, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ करवाना है यहाँ से लेके यहाँ। और मैडम आपको क्या करवाना है? कुछ नहीं करवाना है, क्योंकि आप मैं देखने के लिए आई हूँ। और मैडम आपको क्या करवाना है? आईब्रो। आईब्रो ठीक है मैडम, अभी यहाँ पे हमारी दीदी है, जिया जी का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होता है। हाँ और बहुत अच्छा बनाती है, थैंक यू, हम लोग बहुत फॉलो करें, थैंक यू। और आप बाहर आके तो देखिए कितनी सारी सेलिब्रिटी आपका वेट कर रही है। बहुत सारी अच्छा आ रही है। वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ था, प्रमोशन हो गया फ्री में ही लैक्मे का। अभी इधर वेटिंग लिस्ट में है लोग, हॉट सीट पे जिया दीदी बैठ चुकी हैं। तुम लोग बातें कर रही थी, हम सोचे हम पहले करवा लेते हैं। हाँ अच्छा की अच्छा से देख लीजिए छुट्टी। इधर रितु दीदी वेटिंग में है। अभी आए हुए हैं जी न्यू मार्केट अपने दोस्त अभिषेक के साथ, कल पूजा के लिए सारी खरीदारी करनी है। तो पूजा के लिए जो है 5 तरह के फल की जरूरत है, तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं सेब लेने के लिए। और जैसा कि आपको बताया था, हमारा जो दोस्त है एकदम क्वालिटी परखने में जो है बिल्कुल ज़बरदस्त है। हम तो कहते हैं हमारे जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है या क्या नाम है जी, जो भी है, सरकार को इनको हायर कर लेना चाहिए। आपके
खाने की गुणवत्ता जांच करने के लिए, इनसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। तो बहन हम लोग का इतनी जल्दी काम हो गई कि मैं बता नहीं सकती हूँ, है दीदी? इतना जल्दी आज काम हो गया, कुछ करवाना नहीं था, बस थ्रेडिंग बनवाने थे और रील्स बनाना था। समंदर में बैठ के अपना रील्स बनाएंगे और मेरी ये छोटी सी बोर हो गई बाहर बैठ के। अभी भी बोलने वाले थे कि मुझे एक बोर हो गई, मैं देख लेती। अब हम लोग को कहाँ जाना है? शॉप जाना है, कपड़े का शॉप। लहंगा बहुत प्यारा है, छोटा करके लहंगा बहुत प्यारा है। अपनी शादी में देख के खुशी हो जाओ। चलो सब बैठ जाओ, यहाँ बैठो, इधर तुम इस साइड बैठो, इधर जर्किन कम है। दौलत राम चौक, हाँ इधर ही है पास में। तो हम लोग पहले मेरी बेटी भी है छोटी सी। हाँ तो ठीक है ना, अंदर से हमको एक बहन मिल गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग प्लीज सुनिए। वो बेचारी ने रिक्वेस्ट करके गई है तो रुकना तो बनता है। मच्छर जल्दी बचा दो। आप लोगों को पहचान गया, वाह जरा खुशी तो देखो, बैन का वेट हो रहा है। सब कोई बैठ गया लेकिन कहा नहीं रहा है कि चलिए अपनी बातें करने में है सब। यहाँ एक से बढ़ के ब्लॉगर जुटे हुए हैं, अगर वो ब्रेक लगाएंगे रोड पे ही जाओगे। छोटा से मैं बैठ गई चाय का पानी का, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। जब से मोमोज का बोल दिया मेरे बस मुंह में ये जा रहा है, कब मोमोज खा रहे। घुमा लीजिएगा भैया जिया दीदी, जहाँ भी रास्ते से गुजर रही है बोल रही है यहाँ मैं ये खिलाऊंगी वहाँ मैं वो खिला, कुछ नहीं रही है। नहीं तो भी आया नहीं, रुक ही नहीं रहे, थाल मुड़ी खिलाने वाले हैं। थाल मुड़ी खिलाएंगे यहाँ का बहुत फेमस है। जाओ तुम लोग क्या यहाँ रखोगे? किधर है? उधर उस साइड है ना ससुराल आपका? अच्छा इस साइड है, मैके उस पार, मैके उस पार। वाह कम मैडे जी, क्या जी वाह रे वाह वाह वाह, इसीलिए तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। आज हो गया जिया दीदी के ब्लॉग में, जिया दीदी के ब्लॉग में बहुत बड़ा खुलासा हो गया। इंस्टाग्राम स्टार कोमल पांडे, तो फाइनली हम दूसरे पार्लर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मुझे ज्वेलरी लेना है क्योंकि कोमल दीदी लेके आई है मुझे, है दीदी? दीदी पसंद करिए वहाँ पे दिखा दो ना। कौन सा? ये स्टोन वाला है। कौन सा दीदी बोलिए आप? ये वाला ना, ये वाला ना मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहा है, मतलब एक पहले है ये वाला। हाँ नहीं नहीं ये वाला, ये ना बिल्कुल मैचिंग है आपके। हाँ 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 बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर लग रहा है इसका, ये बिल्कुल दोनों कलर एकदम मैचिंग। हाँ कॉन्ट्रास्ट ये भी है लेकिन ये थोड़ा वो है, बहुत प्यारा है। मैडम ने भी कह दिया कि ये अच्छा है। बाबू तुमको भी कौन सा चाहिए? अच्छा लग रहा है। हाँ बस सेम बताए। हाँ ठीक है, पता है मैं लहंगा जो है ना दोनों सेम कलर है, दोनों का है। हाँ दोनों कलर, हाँ मतलब ये नहीं पहना बस ये पहनना, मैं ये कह रही हूँ। लेकिन हम इसे पहनते हैं ही नहीं। अच्छा लगेगा कुछ भी हम पहनते नहीं है। चलो ये डन कर लेते हैं।